अच्छा तो आप हैं हलीमा, बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। जी इश्तियाक था, क्यों नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, बस आपके मुंह से सुन के थोड़ा सी हैरान की हूँ। मैम बर्थडे सेलिब्रेशन तो नज़र नहीं आ रही। भाई जब सेलिब्रेशन है ही नहीं तो नज़र कैसे आएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि जोया रोज़ कह रही थी कि मिस उजाला को घर लेकर आए, और मैं भी तकरीबन रोज़ाना उजाला से कह रही थी कि घर चलो, मगर उजाला पे कान ही नहीं धरे। बस फिर हमें ये प्लान बनाना पड़ा, लेकिन एहतमाम हमने बर्थडे वाला ही किया, आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आए। बात असल ये है कि तुम अब सिंगल हो, तब तक अपनी जिंदगी इसी तरह मुमानी के सर पे गुजारोगी। मैं आज हूँ कल नहीं, क्या पता। आप भी कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मुझे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भी अपना घर हो जिसमें तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, शहजादियों की तरह रहो, तुम्हें जिंदगी की हर वो ख्वाहिश मिले जिसका कभी तुमने सोचा भी ना हो। देखो अगर उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना उजाला, और फिर वो लोग पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं, एक छोटी बच्ची है वो भी तुमसे मानूस है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझसे जिक्र कर सकती हो। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस नाते से यहाँ आए? इंसानियत के नाते से आए, हमदर्दी है इसलिए आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें, आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। उजाला मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ, तुमसे बात करके बहुत सुकून मिलता है उजाला।